हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे बच्चे? आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 3 मैथ्स, जो कि मार्केट में अभी ये नई बुक आई है, इस बुक का नाम है मैथ्स मेला, उसका फर्स्ट चैप्टर आपको आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इस चैप्टर का नाम है व्हाट्स इन ए नेम। तो आइए इस चैप्टर को जरा समझते हैं। अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज काउ हर्ड फैमिली इन कारकेश्वर। ये एक बहुत पुराने टाइम की बात है। देयर वॉज ए काउ हर्ड फैमिली, मतलब जो लोग गायों को चराते हैं वो फैमिली कहाँ रहती थी? कारकेश्वर में रहती थी। एवरी डे देबा एंड दीप टुक द काउ आउट फॉर ग्रेजिंग। तो देवा और दीप क्या करते थे? हर दिन अपनी गायों को चराने के लिए बाहर लेके जाते थे। दे यूज टू रिटर्न इन द लेट इवनिंग टुगेदर विद ऑल द काउज, और वो देर रात को वापस घर आते थे अपनी गायों के साथ। वन डे, एक दिन की बात है, देवा आस्ट, देवा ने पूछा, हाउ डू वी नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउस, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कोई भी अपनी गाय खोई तो नहीं है, क्योंकि हम तो बाहर लेके जाते थे, फील्ड में लेके जाते थे उनको चराने के लिए, और जब हम उनको रिटर्न लेके आ रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जितनी काउ लेके गए हैं उतनी ही हम रिटर्न लेकर भी आए हैं, वापस लेकर भी आए हैं, हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो काउंटिंग नहीं आती है। दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट, और हमें तो काउंटिंग नहीं आती है। वॉट कुड देवा एंड दीप डू, अब देवा और दीप क्या करेंगे? देयर फ्रेंड गेव देम एन आइडिया, उनके एक फ्रेंड ने उनको एक आइडिया दिया था। वेन यू गो आउट मेक अ मार्क ऑन दी वॉल फॉर ईच काउ दैट लीव्स द गेट। तो उसके फ्रेंड ने क्या कहा, जब भी आप अपनी गायों को लेके बाहर जाते हैं तो जहां पर भी वो गेट है, जो एग्जिट गेट है जहां से वो गाय बाहर निकलती हैं, वहां पर आपको दीवार पे क्या करना है, मार्क करना है। जैसे कि एक गाय बाहर निकली तो एक लाइन टिक कर दी, दूसरी गाय निकली तो एक और टिक कर दिया, तीन निकली तो एक और टिक कर दिया, इस तरीके से आपको टिक करना है। देन वेन यू कम बैक स्ट्राइक आउट वन मार्क फ्रॉम दी वॉल ईच टाइम काउ री एंटर्स द गेट। और जब आप वापस आओगे शाम के टाइम, तो आपको उसको, जब एक गाय अंदर जाएगी तो उसको इस तरीके से जो आपने लाइनिंग की है, इस तरीके से जो दीवार पे मार्किंग की है, उसको स्ट्राइक आउट करना है, ऐसे काटते भी चलना है, ठीक है ना? इससे ये पता चलेगा कि जितनी गाय आपकी बाहर गई थी ग्रेजिंग के लिए, चरने के लिए, उतनी ही गाय आपकी वापस भी आई है। द नेक्स्ट डे दे फॉलोड देयर फ्रेंड्स आइडिया, और अगले दिन वो अपने फ्रेंड का आइडिया फॉलो करते हैं। एंड ऑल द मार्क्स वर स्ट्रक आउट व्हेन दे केम बैक होम, और जितने मार्क उन्होंने दीवार पर लगाए थे जब वो वापस आते हैं, तो देखिए इसी तरीके से वो सारे मार्क को कट कर देते हैं। इसका मतलब जितनी गाय बाहर गई थी उतनी ही गाय वापस अंदर आ गई हैं। डिड ऑल द काउस कम बैक होम, क्या सारी गाय आ गई थी? तो यस, सारी गाय आ गई थी, क्योंकि सारे ही जितने भी उन्होंने मार्क लगाए थे वो सारे स्ट्राइक आउट हो गए थे। आइए आगे चलते हैं। आफ्टर अ फ्यू इयर्स, कुछ सालों बाद, दे हैड मेनी मोर काउज, जैसे जैसे समय बीतता है तो उनके पास गाय भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, ठीक है ना? वन डे देयर वॉल हैड दिस मेनी मार्क्स व्हेन दे लेफ्ट होम, एक दिन जब वो अपनी गायों को बाहर चराने के लिए ले गए तो दीवार पे, ये वॉल है, इस पे इतने मार्क्स थे। तो आपसे पूछा गया है कि कितने मार्क हैं, तो आइए इनको काउंट करते हैं। अगर मैं ये देखूं, ये एक सेट है, इसमें 5 लाइंस मुझे दिख रही है, 1 2 3 4 5, ये भी एक 5 का सेट है, तो ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, और ये भी एक 5 का सेट है, ये भी 5 हो गया, और इधर देखें तो ये भी एक 5 का सेट है, और इसको देखें यहाँ पर भी, इस सर्कल में भी 5 लाइंस है, और इस सर्कल में भी 5 लाइंस है, इस सर्कल में भी 5 लाइंस है, और
इस सर्कल में भी 5 लाइंस हैं और इस सर्कल में भी 5 लाइंस हैं। तो देखते हैं मेरे पास 5 लाइन वाले कितने सर्कल हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सर्कल्स हैं मेरे पास और ईच सर्कल में कितनी लाइन है, 5 लाइन है। तो 9 5 का कितना हो गया मेरा 45, और कितने बचे, दो दो लाइनें एक्स्ट्रा है, तो 45 में 2 और ऐड किया तो बच्चों कितना मिला, 47 मिला। तो सो दे हैड कितनी काउस थी उनके पास टोटल, दे हैड 47 काउस, उनके पास 47 काउस थी। द नेक्स्ट डे दे रिटर्न विद द काउस, और अगले दिन वो काउस के साथ वापस आते हैं। दे स्ट्रक आउट 1 मार्क एज ईच काउ री एंटर द गेट, और इसी तरीके से जैसे उनके फ्रेंड ने उसको बताया था कि जब आपकी गाय अंदर जाती है तो आपको इसको स्ट्राइक आउट करना है, ऐसे काटते भी चलना है, तो वो काटते जा रहे थे इस तरीके से। दे स्ट्रक आउट 1 मार्क एज ईच काउ री एंटर्स द गेट, 2 मार्क्स वर स्टिल लेफ्ट, और जब उन्होंने देखा कि उनके सारे ये मार्क कट गए हैं बट फिर भी उनके क्या हुआ, 2 मार्क अनकट रह गए, 2 मार्क्स को वो काट नहीं पाए और कोई गाय भी बाहर बची नहीं थी, ये वाले 2 मार्क्स नहीं कटे थे। इसका मतलब क्या है कि 2 गाय अभी तक वापस नहीं आई हैं। 2 मार्क्स वर स्टिल लेफ्ट ऑन दी वॉल बट दे डिडंट सी एनी काउ आउटसाइड, दे वर वरिड, और जब आपका कोई सामान खो जाता है तो आपको क्या होती है, चिंता होती है। इसी तरीके से दीप और देबा को भी चिंता होने लगी कि उनकी 2 गाय कहाँ है। वाई वर देबा एंड दी वरिड, वो क्यों चिंता थे, वो क्यों चिंतित थे, क्यों परेशान थे, बिकॉज देयर 2 काउस वर मिसिंग, उनकी 2 गाय मिसिंग थी। हाउ मेनी काउज हैड रीच्ड होम, मतलब उनके पास टोटल काउ कितनी थी, 47 थी। अब 2 मिसिंग है इसमें से, तो कितनी वापस आई, 7 में से 2 गए तो 5 और 4, दैट मीन्स 45 काउज रिटर्न्ड। दीप एंड देबा क्विकली वेंट टू सर्च फॉर द मिसिंग काउज, और वो तुरंत ही निकल जाते हैं अपनी खोई हुई गायों को ढूंढने के लिए। फाउंड देम इन ए नियर बाई फील्ड, और वो उनको एक पास के फील्ड में ढूंढ लेते हैं। दे ऑल हैप्पीली रिटर्न होम टुगेदर, और फिर वो उन दोनों गायों को लेके वापस आ जाते हैं अपने घर। देयर फ्रेंड हेमंत हैड 36 काउज, उनका जो फ्रेंड है जिसका नाम है हेमंत, उसके पास कितनी गाय है, 36 गाय हैं, और शीप्स कितनी है, भेड़ कितनी है, 23 शीप्स हैं। हेल्प हेमंत कीप ट्रैक ऑफ हिज काउज एंड शीप बाय मेकिंग मार्क्स लाइक दीप देबा एंड दीप डन, जैसे कि देवा और दीप ने किया था उसी तरीके से आप हेमंत के लिए, यहाँ पर ये समझ लीजिए वॉल है तो यहाँ पर आपको वॉल पे मार्किंग करनी है। तो आइए हम यहाँ पर मार्किंग करते हैं, यहाँ पर मुझे शो करनी है 36 काउ और यहाँ पर मुझे शो करनी है 23 शीप्स। तो जैसे कि दीप और देवा ने किया था हम भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ये मेरा एक सर्कल हो गया 5 का, है ना। 1 2 3 4 5, ये मेरा दूसरा सर्कल हो गया। 1 2 3 4 5, ये मेरा तीसरा सर्कल हो गया। 1 2 3 4 5, ये मेरा चौथा सर्कल हो गया। 1 2 3 4 5, ये मेरा पांचवा सर्कल हो गया। 1 2 3 4 5, ये मेरा छठा सर्कल हो गया। 1 2 3 4 5, ये मेरा सेवेंथ सर्कल हो गया। तो आइए अभी मैंने कितने सर्कल किए, 1 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और ईच सर्कल में कितनी लाइन है, 5 लाइन है। तो 7 सर्कल है और ईच सर्कल हैज 5 लाइंस, तो 7 5 का कितना हो गया, 35 हो गया। और हमें कितनी शो करनी है काउ, 36 काउ शो करनी है, तो मेरा एक लाइन एक्स्ट्रा रहेगी। तो ये मैंने +1=36, 36 काउस के लिए मैंने ये बना दिया। ये आपको 23 शीप्स के लिए ऐसे ही बनाना है। तो मेरे ख्याल से अभी सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। 1 2 3 4 5, ये एक सर्कल हो गया। 1 2 3 4 5, ये दूसरा सर्कल हो गया।
1 2 3 4 5, ये तीसरा सर्कल हो गया, 15 हो गया, 5 5 10 15, और एक करेंगे 3 4 5 20 हो गया, और 3 हमारा एक्स्ट्रा रहेगा 1 2 3, तो टोटल हमारी 23 हो गई, है ना, ये 23 शीप्स हो गई। आइए आगे चलते हैं, इसको एक बार आप देख लीजिए आराम से। लेट अस डू, यहां पर आपके लिए एक एक्टिविटी है, ठीक है ना, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय माई डियर स्टूडेंट्स।